जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और हम आए थे श्राद्ध का खाना खाने के लिए। तो इसी बीच तरुण को मिली है एक बहुत बड़ी खुशखबरी। चलिए जानते हैं तरुण से। तरुण, कैसी है वो खुशखबरी, क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ नाइग्रा में राज। तो आज जिस चीज़ का मतलब सदियों से इंतजार था तरुण शर्मा को, तो वो चीज़ आ चुकी है। आज इनका मोबाइल आ रहा है और इन्होंने ऑनलाइन मंगवाया था, आज वो आ जाएगा और उसकी अनबॉक्सिंग ही आपको ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन आज इनकी खुशी का तो बिल्कुल भी ठिकाना नहीं है। आप देख सकते हैं कि इनके चेहरे से कैसे खुशी फूट फूट के बाहर निकली। चेहरा दिखाएं अपना, देखिए देखिए किस तरह से शर्मा रहे हैं ये। आज नया नया फोन आए। जिस घड़ी का तरुण को सबसे ज्यादा इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है और अभी तरुण जी की शक्ल हम आपको दिखाएंगे। चलिए ये देखिए है तरुण जी और ये है इनका नार्जो। बहुत मेहनत की है गाइस, इस मोबाइल के पीछे पता नहीं कितने हथकंडे बनाए हैं, तब जाके ये देखिए नार्जो इनको प्राप्त हुआ है आज। ऑफलाइन भी ट्राई की थी, नहीं हुआ, ऑनलाइन मंगवाया है इन्होंने। इधर देखिए, चलिए मोबाइल तो आपने देखा नहीं है अभी, तो हम उसके अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाएंगे अच्छी तरह से और इसके पूरे फीचर्स आपको बताएंगे। ये देखिए आप आउटलुक देख सकते हैं डब्बे का, तो अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि इसकी अनबॉक्सिंग जो है तरुण कुमार ने पहले ही कर ली थी, क्योंकि यार ऑनलाइन अब सामान मंगवाया है तो चेक भी ऑन द स्पॉट करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि स्क्रीन वगैरह टूटी मिलती है, तो उसके लिए इन्होंने पहले ही से अनबॉक्स कर लिया था। लेकिन स्पेशल हम आपके लिए इसको अनबॉक्स करेंगे और अनबॉक्स करने से पहले हम आपको इसके फीचर्स बता देते हैं। तो ये देखिए, इसमें आपको सबसे पहले मिल जाता है प्रोसेसर, इसका हम दिखाएंगे आपको। G95 है, हेलियो G95 आपको प्रोसेसर मिल जाएगा, जो कि गेमिंग प्रोसेसर है, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर माना जाता है। और इसमें अगर बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है और 30W का आपको एक चार्जर मिल जाता है, तो चार्जिंग भी काफ़ी फास्ट होने वाली है। और 90Hz की अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले आपको मिल जाती है इसमें। साथ में मिल जाता है आपको रियर कैमरा 48MP का और फ्रंट कैमरा मिल जाता है आपको 16MP का। और साथ में दो छोटे लेंस और हैं, दो एक मैक्रो का है, बाकी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो होता है वो है बाकी उसमें। अब आपको बता दें इसका रेट, तो रेट से पहले हम आपको वेरियंट की बात बताएँ, तो वेरियंट है 464 है ये और रेट लगभग 12.5 के आसपास इतना ही पड़ा है ना। बाकी कुछ ऑफ़र वगैरह पता नहीं चले होंगे, नहीं चले होंगे, जब चलते हैं तो काफ़ी सस्ता हो जाता है, अभी चलेंगे आगे। चलिए अब इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं एक बार। तो ये देखिए देखिए, हालांकि आपने तो देख लिया है लेकिन हम अपने दर्शकों को बताएंगे। तो सबसे पहले ये देखिए मिल जाता है मोबाइल का कवर, और कवर के साथ यहाँ पर पिन मिल जाती है आपको। ये देखिए इसका कवर, ये थोड़े मैनुअल है इसका, और कवर तो काफ़ी मतलब ठीक ही है यार, ऑनलाइन में कैसा मिलेगा अब आपको कवर, तो अच्छा ही है। बट एक प्रॉब्लम होती है जो इसका कलर थोड़े दिनों या महीनों में पीला पड़ जाता है, थोड़े क्या कर सकते हैं, तो होता ही है। बाकी इसके लिए तो अभी अच्छा सा कवर हम लेंगे तरुण जी के लिए, तो चलिए इसे रखते हैं साइड में और अभी बात करते हैं मेन आइटम की। चलिए मेन आइटम को फिलहाल साइड में रखते हैं, तो पहले हम आपको दिखाएंगे चार्जर। ये देखिए काफ़ी हैवी चार्जर है इसका और 30W का है, तो हैवी तो होगा ही, बाकी फास्ट चार्जिंग होगी। ये देखिए इसकी केबल है, इसे भी रख देते हैं साइड। और अब चलते हैं अपने मोबाइल पे, तो इसकी लुक हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये आपको देख रहे हैं आप, देखिए। और सिल्वर कलर इन्हें बहुत पसंद आया था, हमने इन्हें ऑप्शन दी थी या सिल्वर, ब्लैक, ब्लू, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा पसंद इस कलर को किया। अब मोबाइल इनका है तो पसंद भी इनकी ही मायने रखती है, तो इसीलिए इनको ये कलर बहुत अच्छा लगा। तो नहीं अच्छा है, काफ़ी प्रीमियम सा कलर है, मुझे भी अच्छा लगा। बाकी बात करते हैं, लुक तो काफ़ी सही है यार इसकी, नहीं नहीं स्क्रैच नहीं था, डरो मत भाई। और चलिए अभी इसे ऑन करके देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस। तो कोड भी लग चुके हैं, शुरू में ही कोड लगा दिए गए हैं और ये देख सकते हैं आप। अब क्या दिखाएं आपको, इसमें ज़्यादा ऐप्स तो नहीं है, शुरू शुरू में कितनी ऐप्स होंगी यार मोबाइल में। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्मूथ डिस्प्ले है इसकी, काफ़ी सही मुझे लग रहा है। बाकी देखिए कैमरा जो है वो बिल्कुल इनबिल्ट है, स्क्रीन के अंदर ही कैमरा जो है वो लगा दिया गया है। बाकी टेम्पर्ड तो डलवाया या मिला था पहले से ही, मिला तो टेम्पर्ड, हाँ मिला था पहले से ही, टेम्पर्ड इनको मिल चुका था और दुकान में जाके इन्होंने डलवा दिया है, तो काफ़ी बढ़िया है। चलिए कोई बात नहीं, तो ये है ओवरऑल हमारा मोबाइल।
आपको देखिए कैसा लगा, और रिव्यू तो हमने कर दिया, ऑनेस्ट रिव्यू, तो आपको इसको चला के कैसा लगा बताइए, कैसा एक्सपीरियंस रहा पहले आपको जब आपने इसको चलाया, और कैसा अंदर से फीलिंग कैसी आई? अच्छा है, पर अभी पूरा नहीं दे सकते। हाँ हाँ, अभी क्योंकि इसमें ज़्यादा ऐप्स इंस्टॉल नहीं की गई हैं और इसे यूज़ भी नहीं किया गया है, तो उसके चलते हम आपको इतना भी बता नहीं सकते कि परफॉर्मेंस कैसी है। अभी एक दो महीना चला के परफॉर्मेंस का पता लगता है, क्योंकि शुरू शुरू में तो यार हर एक मोबाइल अच्छा ही चलता है, बाकी जब इसमें भी ऐप्स आएंगी और तो फिर इसकी फंक्शनिंग ज़्यादा बढ़ेगी, लोड पड़ेगा इस पर, तो फिर पता लगेगा इसकी परफॉर्मेंस का और इसकी बैटरी बैकअप का भी। तो इसके साथ इसकी अनबॉक्सिंग भी कहते हैं यहीं पे ख़त्म। तरुण जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो इस नए मोबाइल की। धन्यवाद। होप कि आप इसको संभाल के रखें, तोड़े नहीं, क्योंकि मोबाइल बहुत ही प्रीमियम है और बहुत ही अच्छा है। मैं आपको रिकमेंड तो करूंगा ही इस मोबाइल को लेने के लिए, लेकिन कलर की आपकी चॉइस है। कलर मेरे को तो वैसे सारे ही कलर अच्छे लग जाते हैं यार, मोबाइल में कलर का क्या करेंगे, फंक्शन अच्छे होने चाहिए, कलर तो क्या है। अभी हम आ चुके हैं बाहर, चलिए आपको दिखाते हैं Realme Narzo 30 से लिए कुछ फोटो और कुछ वीडियोस के सैंपल। अभी आपने देख लिए इसके वीडियो और फोटो। हालांकि मेरी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी स्किल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, अगर आपको ये फोटो फिर भी पसंद आ गए तो मोबाइल का ही इसमें ज़्यादा योगदान है, बाकी मेरा तो कुछ योगदान नहीं है। इसी के साथ हम आज की वीडियो भी यहीं पे करते हैं एंड। अगर आपको हमारे ऑनेस्ट रिव्यू अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।